कर्ज वसूली से परेशान होकर पूरे परिवार ने खाया जहर, 5 लोगों की हुई मौत। तेज रफ्तार का दिखा कहर, तेज रफ्तार कार ने किसान को मारी टक्कर, किसान की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। अनियंत्रित ट्रक और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत, हादसे में महिला की हुई मौत। पंचायत में संचालित योजनाओं की हुई जांच, मुख्य सचिव के निर्देश पर की गई जांच। शव जलाने के लिए नहीं मिला रास्ता, रास्ते में हुए कटाव को लेकर रास्ता जाम। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के साथ। सिकटा के छठ घाट पर सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 5 वर वधू का पारंपरिक तरीके से विवाह संपन्न कराया गया। इस मौके पर समाज सेवी रमेश बरनवाल, मुखिया नीलू देवी समेत स्थानीय पुलिस और SSB के जवान उपस्थित रहे। ये बताया जाए कि सामूहिक विवाह का जो आयोजन है, ये पहली दफा आप कर रही हैं कि इसके पहले कब? इसके पहले भी किया है, दूसरी बार हो रहा है। आपको सहयोग मिल रहा है कि नहीं समाज की तरफ? समाज से सहयोग मिला है, प्रशासन से भी सहयोग है, प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी सहयोग है, अंचलाधिकारी से भी सहयोग है। जो सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ है, ये आप कितने दफा यहाँ पर करा चुके हैं सामूहिक विवाह का? सर, हम लोग 2019 में एक बार कराए थे, कोरोना के चलते 2 साल नहीं करा पाए। इस साल फिर हम लोग शुरू कर दिया है और हर साल कराएंगे। अच्छा, इस समाज का इसमें सहयोग आपको मिल रहा है? पूरा समाज का इसमें सहयोग रहता है। खबर बेतिया से है, जहां व्याप्त भ्रष्टाचार पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू के राज में अपराधियों का जंगल राज था और नीतीश के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। बता दें, 400 रुपए की वृद्धा पेंशन में भी लोगों को 20 रुपए तक का घूस देना पड़ता है और पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक दफ्तरों में घूसखोरी के बिना कोई काम संभव नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी लोगों को 25,000 से लेकर 40,000 तक का घूस देना है, जबकि सरकारी दबाव से जिले को ODF घोषित कर दिया गया है। अफसरशाही भ्रष्टाचार का आलम का तो कोई पूछना ही नहीं है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर कि लोगों ने यह नहीं बताया कि साहब, अफसरों की हालत यह है कि उनकी जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। अफसरशाही जो हम लोग लालू जी के राज में ये बताते थे, ये लोग सुनते थे कि अपराधियों का जंगल राज है। मुझे ऐसा लगता है, जो अभी तक मैंने 40 दिन में सुना, ये अब अधिकारियों का जंगल राज है। नीतीश का जो राज है, नीतीश कुमार के राज को अधिकारियों का जंगल राज अगर कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे वृद्धा अवस्था पेंशन वाले, मैं महिलाओं से मिलता हूँ और उनको 400 रुपये सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन मिलता है। खबर बेतिया से है, जहां वाल्मीकि नगर मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। वाल्मीकि नगर में तेज रफ्तार में आ रही कार ने किसान को ठोकर मार दी, जिससे किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर लोहरिया मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दिया और इस दौरान हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जमकर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। कहां से टेम्पो तुम लेके जाते हो? बघई चौक पर हमारा सवारी मिलो, 2 लेडीज एगो जेंट्स लेके जात रही, बरगजवा चौक जैसे हलल बनी हम तो लोग ट्रक वाला लेके आ गए, इतना स्पीड में लेके गए कि हमारा के मार गए। मरला के बाद में वो लेडीज को उठा के हम
बला एम्बुलेंस हो एम्बुलेंस में हमला दबा दें एम्बुलेंस लेके चल गए रामनगर एम्बुलेंस हो जैसे रेफर कर देवे तो बेतिया चल गए हमारा के टेम्पू वाला जो इंचार्ज वाले बोला के लेके अलो हमारा के यहाँ कि चलो मुखिया साहब के दुआर पर जा गाड़ी घेरा बटे तो हम ईजा का आई रात के बिहार सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश पर नरकटियागंज प्रखंड के मलदहिया पोखरिया पंचायत में जिला सामाजिक सुरक्षा कोपांग के सहायक निदेशक ब्रजभूषण कुमार ने पंचायत की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जांच किया। इस दौरान अधिकारी ने नेगौना गांव वार्ड 4 में स्थित विद्यालय की जांच की, जहां विद्यालय में आने जाने के लिए पक्की सड़क नहीं मिली, जिसके बाद जांच की गई और पैक्स गोदाम के हालात भी खस्ता हाल मिले, जिसके बाद अधिकारी ने विक्रेता को रंग रोगन व साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। खबर बेतिया से है, जहां के नरकटियागंज में विद्युत विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान बिजली चोरी के मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई। बता दें, इस अभियान में शामिल सभी लोगों पर विभागीय जुर्माना के साथ साथ शिकारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया गया। खबर कैमूर जिले से है, जहां के बभुआ शहर में रहने वाले एक युवक की मौत हो गई, जिसकी उम्र 42 साल बताई जा रही है। वहीं शव को जलाने के लिए शमशान में जाते समय रास्ता अवरुद्ध दिखा, जिससे शव को शमशान तक नहीं पहुंचा पा रहे। वहीं इस मामले की सूचना स्थानीय समाज सेवी को मिलते ही मौके पर पहुंचे और रास्ते में हुए कटाव को देखकर बीच सड़क पर ही शव रखवा कर सड़क जाम करवा दिया। ये अभी क्या चीज का मामला चल रहा है? देखिए, हमेशा यहाँ पे पूर्व में 40 लाख की लागत से कब्रिस्तान का निर्माण किया गया था, जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। गरीब परिवार के लोग जो बनारस जाने में अक्षम है, वो सुरंग के तट पे जो शमशान घाट बना है वहीं पे अपने परिजनों के लाश को जलाते आ रहे थे। आज वहाँ पे जाने के बाद रास्ता को खत्म कर दिया गया, काट दिया गया और लाश जलाने नहीं दिया गया। वहाँ से गरीब परिवार के तबके के लोग वापस आए हैं और अपनी मांग को पूरा करने के लिए, रास्ता देने के लिए हम लोग आज यहाँ पे स्वादी के पुल पे धरना प्रदर्शन दिए हुए, रोड को जाम किए हुए। खबर कैमूर से है, जहां बभुआ रोड स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से 50-60 भेड़ों सहित गडरिया की कटकर मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इस हादसे की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा और मामले की जांच में जुट गई। क्या घटना हुआ यहाँ पे, आप लोग आए हुए टहलने के लिए? हम सुबह टहलने आए थे तो देखे कि 40 ठो भेड़ कटा है और एक ठो गणेर कटा है। यहाँ कौन सा जगह है? NH पुल के नीचे। देखिए, हम बता रहे हैं, हम रोहतास जिला के करघर प्रखंड के रघुआ पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं। ये मेरे ऑफिस के बगल में इन लोगों का घर है। ये लोग बहुत पहले से, हमारा जन्म से पहले से भेड़ पालन का रोजगार करते थे ये लोग। ये बरसात के दिनों में जौनपुर साइड में ले जा करके गंगा के दियारे में ले जा करके अपना भेड़ पालन कर रहे थे। अभी मौसम थोड़ा सा ये हो गया था, ठंडा का मौसम आ गया था, उसमें अपने गांव की तरफ भेड़ लेकर के आ रहे थे। तो ये मोहनिया जो आरा मोहनिया पथ है, इसके नज़दीक में ही रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहे थे, उसी क्रम में ट्रेन की चपेट में आने से कुछ भेड़, 40-50 की संख्या में भेड़े और एक उनके साथ अवधेश पाल करके थे, उनका ये हो गया। हाँ, उसका परिजन लोग आ गया है जी, घर घर थाना से। क्या नाम है सर? इसका नाम
अभेश पाल है, उम्र 40 वर्ष लगभग। कहाँ कराने वाला ही करा? ये अरुआ का है, अरुआ करघर थाना का। अब भेड़ भी कटी है क्या सर कुछ? हाँ, भेड़ भी 50-60 का सर कम है। पोस्टमार्टम भी भेज जाएगा? हाँ। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। के बाद स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर मोतिहारी से है, जहां डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही डेंगू पीड़ित मरीजों के गांवों टोलों में स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा फॉगिंग भी कराया जा रहा है, ताकि डेंगू मच्छर का प्रकोप खत्म हो सके। तो डेंगू का जो मॉस्किटो है, एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, वो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो उधर ही पाया जाता था, इधर पाया जाता नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ एक मॉस्किटो, उसका अल्टरनेटिव मॉस्किटो है एडिस एल्बोपिक्टस, जिसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। तो वो टाइगर मॉस्किटो यहाँ ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया डेंगू, जो कि बिहार में इतना सारा केसेस मिल रहा है। और थोड़ा सा ड्रेनेज का भी समस्या है शहर में, वाटर रिटेंशन रोड पर हो जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। गंदगी भी एक बहुत बड़ा कारण है। खबर मोतिहारी से है, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के जन्मदिन के अवसर पर कल्याणपुर विधायक ने विभिन्न सड़कों का फीता काट कर विधिवत शिलान्यास किया। वहीं राजद कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों पर उप मुख्यमंत्री श्री यादव का जन्मदिन मनाकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं कल्याणपुर विधायक मनोज कुमार यादव ने बुधवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव का जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। इस अवसर पर विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बनने वाली विभिन्न सड़कों का शिलान्यास किया। इस दौरान मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। शिलान्यास तो लगातार हो रहा है। आज के शिलान्यास का विशेष महत्व है कि आज हम लोग के माननीय राष्ट्रीय जनता दल के नेता उप मुख्यमंत्री जी और RWD के मंत्री जी, PWD के स्वास्थ्य मंत्री जी विभिन्न विभागों को देख रहे हैं, और उनके आने से जो खुशहाली आया है, लोगों में जो विश्वास जगा है, उनके जन्मदिन के अवसर पर विशेष करके 5 रोड का 20 करोड़ से ऊपर के लगभग लागत से 5 रोडों का 20 करोड़ के मूल्य का लगभग आज शिलान्यास हुआ है। विधायक
बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार शरीफ प्रखंड मुख्यालय पर आपदा पीड़ित परिवार को सहायता राशि का चेक वितरित किया। सभा को संबोधित करते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपदा पीड़ितों को हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध हैं। जांच हो रही है कि किन कारणों से उनकी मृत्यु हुई है और जब जांच होगी तब फला फलाएगा कि किन कारणों से ऐसा हुआ। मैं समझता हूं कि आर्थिक तंगी हो सकती है, लेकिन सरकार के तरफ से तो अन्य प्रकार की भी सहायता जो गरीब लोग हैं उनको पहुंचाया जा रहा है, चाहे राशन दिया जा रहा है, वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, तो इस प्रकार की सरकार की अनेक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत उन परिवारों को सहायता दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम बिहार में हो रहा है। नालंदा में एक बार फिर ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां युवती के परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है और साथ ही हत्या की उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए हैं। 7 बजे रात को बुला के ले गया है। कौन लेकर गया? रंजीत मांझी। और उसी के दौरान वो हम देखे लहास यहाँ पड़ल था, संपर्क था संजू देवी से, हमारा भाई संपर्क रखा है और उसका पति आया है, उसी दौरान उसको मर्डर करके हम अपने नादी में फेंक दिया। नवादा में दो पक्ष के बीच पुराने विवाद को लेकर झड़प हो गई, जिसमें एक नाबालिग युवती को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया और इस घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को बुलाया, मगर तब तक सभी गांव छोड़कर फरार हो चुके थे। वहीं आनंद फानन की स्थिति में घायल युवती को नवादा सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। फिलहाल नगर थाना की पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फिर उसके बाद आया और रोड़ा थप्पड़ चलाने लगा, तो प्रशासन आया, सब गोली, तारू यादव, इंद्रदेव यादव, बलेश्वर यादव, कैलाश यादव, सब गोली चलाने लगा सब मिलकर। अच्छा, घर पर चढ़ दिया, मेरा गोली पर मार रहा था सब लोग मिलकर, मेरा बहन बचाने दिया तो मेरा बहन पे गोली लग गया। काहे मार रहा था? मार रहा था, गाड़ी ले जा रहे थे मट्टी लाने के लिए, उसके बाद बोला मट्टी नहीं ले आने थे, बोले तीस लिए नहीं ले आए, उसको घर पर दिया मेरा बाबा उबा रंगदारी कर रहा था, और रंगदारी में ढेचा पत्थर दिया इसे और उसको मारने लगा। खबर नवादा से है, जहां कर्ज वसूली से परेशान होकर पूरे परिवार ने जहर खा लिया। वहीं इस मामले की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक को गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया। खबर सहरसा से है, जहां देर शाम ऑटो और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें घटना स्थल पर ही एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं आनंद फानन में परिजनों ने दोनों जख्मी को सदर अस्पताल सहरसा में भर्ती कराया गया, जहां दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुनिया ही के पास जो है पेट्रोल पंप, नया सा पेट्रोल पंप, वहाँ पे एक ऑटो उधर से आ रही थी सुपौल तरफ से, और इधर से ये लोग जो है बहुत, मतलब ऑटो बहुत तेज गति से पेट्रोल पंप की ओर मुड़ी, जिस वजह से ग्लैमर जो है ऑटो से टकराया और उसके बाद जो है वहाँ एक ट्रक खड़ी थी उसमें ये लोग छिटक के टकराए, जिसमें से एक का स्पॉट डेथ वहीं पर हो गया। थोड़ा सा मूवमेंट था उसमें, देरी हुई है जो हुआ, और उनको सबको मीरा हॉस्पिटल नज़दीकी अस्पताल लाया गया, वहाँ पर फिर को रेफर किया गया, एक को वहीं पे डेथ बता दिया गया, 2 को यहाँ पे। जहां एक तरफ सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाने के दावे कर रही है, वहीं मोतिहारी जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है और बिजली कटने से डॉक्टर को दिखाने आए मरीज पुर्जा कटाने के लिए परेशान हो गए। वहीं मरीज के पूछने पर डाटा ऑपरेटर ने बताया कि जनरेटर में तेल नहीं होने की वजह से हम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और सीएम अंजनी कुमार सिंह ने बताया
कि बिजली नहीं रहने पर दो घंटा पुर्जा नहीं काटना गंभीर मामला है, इसकी जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाइट नहीं रहने पर क्या कट रही होती है? लाइट नहीं रहने पर पुर्जा नहीं कटता है, क्योंकि वो जनरेटर है, इसमें जनरेटर व्यवस्था है कि नहीं, फिर भी लाइट करता है तो पुर्जी क्यों नहीं कटता? तेल नहीं, तेल नहीं, जनरेटर में तेल नहीं है, लाइन नहीं रहने पर काम होता है कि नहीं? नहीं होता, नहीं होता है, लाइन नहीं रहने। क्या जनरेटर की व्यवस्था है कि नहीं? जनरेटर व्यवस्था है, तेल नहीं है, फिर भी सप्लाई यहाँ नहीं मिलती है? सप्लाई अब क्या करें, पूछ के बैठे हुए थे हम लोग, यहाँ लाइन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अभी तो लाइन नहीं था तो पुर्जी नहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसके लिए आपने किसी को अधिकारी को सूचना दिए थे? जी, मैंने सर को बोले, प्रॉब्लम है, पुर्जा नहीं कट रहा है। क्या कारण क्या बता रहा है? लाइन लाइन नहीं है। और स्टाफ लोग बैठे हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं बैठे। लगभग कितने लोग लाइन में हैं? लगभग हम कितना बताएं, 50-60 आदमी। दो घंटे पहले तो लाइन नहीं था, थोड़ी देर पहले भी लाइन आया है, और लाइन नहीं रहने की स्थिति में जनरेटर की व्यवस्था है, तीन तीन जनरेटर मेरे यहाँ चलता है, और डीजल की उपलब्धता नहीं है, तो जनरेटर जो ऑपरेट करते हैं उनसे हम पूछते हैं, इसका तो व्यवस्था उनको पहले से करना है, जब भी उनका ये आता है डीजल का डिमांड होता है हम लोग आपूर्ति करते हैं। लेकिन सर, दो घंटे से पेशेंट दूर दूर से आए हुए लोग बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। सही बात है, कठिनाई तो हुई है, हम तो शो कॉज करते हैं, इस तरह का क्यों हुआ, लापरवाही इस तरह की कहीं से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। स्वागत है, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर सहरसा से है, जहां जमीनी विवाद के चलते दो लोगों में जमकर विवाद हो गया, और इस दौरान दो मारपीट में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। हमारे गाँव में जमीन का नापी हो रहा था, वहाँ पर हमारे दियादी थे सुचिन यादव और उनके सुपुत्र राजनंदन कुमार, उन्होंने उसकी मां ने जमीन की नापी होने के बाद उसके घर में मेरा जमीन दो डेक चला गया और वह चिल्ला कुटा उखाड़ करके फेंक दिया और काफ़ी मारपीट उठवा दिया और मारपीट होने लगा, और उस वक्त से बदमाश मंगाए हुए थे और उन्होंने गोली से एक मेरे बड़े पापा को पैर पे मारा गोली से। खबर सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्मली बाजार का है, जहां सुपौल सड़क मार्ग पर दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और अन्य 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं घायल व्यक्तियों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुपौल भेज दिया है। मोहम्मद कासिम नाम है सर। उनके पापा का नाम? मोहम्मद मकसूद सर।
कहाँ कराने वाले हैं? सखुआ परसा का। सखुआ परसा जी, जीनापट्टी पंचायत वार्ड नंबर 1। जीनापट्टी वार्ड नंबर 1 जी। थाना निर्मली? थाना पिपरा। थाना पिपरा जिला सुपौल। थाना वहाँ पर निर्मली से आ रहा है या निर्मली पिपरा? अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका पापा का नाम? मोहम्मद जसीम। ये कौन लगेंगे आपके? क्या नाम है इनका? मोहम्मद कासिम। अच्छा, आप लोग क्या कराना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? कुछ मास्टर नहीं कराना चाहते हैं। मोटरसाइकिल आपके सामने में जो है एक्सीडेंट हुआ, उसके कारण जो दोनों गिर गया, दोनों व्यक्ति घायल है, उनको इस पर था, दोनों इस पर था। मान के चलिए ये दोनों सखुआ का है, एक जो है एक तो डेथ कर गया मोहम्मद समीर, एक तो जो है समीर बचा हुआ, उसका इलाज चल रहा है, रेफर कर दिया। मकसूद डेथ कर गया? समीर डेथ कर गया। समीर, समीर वो कहते हैं मकसूद नाम लिखा है, कासिम नाम है उनका। कासिम, कासिम डेट कर गया। समित का जो है अभी जो है इलाज चल रहा है। सड़क दुर्घटना में जो है मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल में टकरा गया है, निर्मली बाजार से पश्चिम 500 गज की दूरी पश्चिम जो है वही जो है एक व्यक्ति का डेथ हो गया है, एक व्यक्ति जो है जख्मी हालत में दरभंगा चला गया है इलाज कराने के लिए। कहाँ कराने वाला? सखुआ का है, 1 नंबर वार्ड का। दोनों 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 का रिलेशन क्या? हाँ, दोनों को समझी है, समझी है। पोस्टमार्टम होगा कि नहीं? अब तो घर परिवार का लोग तो कह रहा है कि जो है हम नहीं कराएंगे। मुखिया रंजन वर्मा डरौल पंचायत में कई विकास कार्यों का संचालन कर रहे हैं, वहीं ग्रामीण मुखिया संचालित विकास कार्य से संतुष्ट हैं। उन्होंने बताया कि विरोधी दल मुखिया के कार्यों से बाधा डाल रहे हैं। वहीं पंचायत के मुखिया रंजन वर्मा ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि पंचायत के विकास के लिए संकल्प लिया है और पंचायत को जिले में नंबर 1 के पायदान पर लाना मेरी पहली प्राथमिकता है। बहुत विकास हुआ है, बहुत अच्छा हो रहा है। कौन कौन सा विकास हुआ है? नाली का हुआ है, चौतरा का हुआ है, बाउंड्री का हुआ है, ये सब विकास हो रहा है। यहाँ बहुत अच्छा विकास हो रहा है। ढलाई का हो रहा है, जुड़ाई हो रहा है, नाली बन रहा है, एक मसला से बन रहा है, बहुत गड़बड़ काम, सब 4 एकड़ से बन रहा है, ढलाई 2.5 एक से हो रहा है। मुखिया जी जो है पूर्व में भी जीते हुए थे और आज भी जो है जीते हुए है, इनका काम ही जो है दोबारा जिताया हुआ है। और कहीं भी कोई भी काम, चाहे जुड़ाई हो या चाहे ढलाई हो, 2.5 एक से होता है, 4 एक से जुड़ाई होता है। प्रूफ भी है, जाकर देखिए पूरा नाला बना। जैसा कि पंचायत में ये चर्चा हो रहा है कि जो काम हो रहा है बढ़िया नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को मिला के साठ गांठ से गड़बड़ कर रहे हैं, तो मैंने इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? रंजन वर्मा मुखिया ऐसा आदमी है कि किसी को 5 रुपया घूस नहीं देते हैं। पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्तरी घोगा में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना मध्याह्न भोजन का प्राथमिक स्कूल सकुशल छात्रों को बांटा जा रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल मध्याह्न भोजन के साथ साथ शिक्षण कार्यों में भी अव्वल है। इस क्लास में 42 पढ़ाई के बारे में बताइए, किस कैसे यहाँ बच्चे आप लोग को कोऑपरेशन करते हैं, कैसे? देखिए ये आप तो समझ ही रहे हैं, थोड़ा सा मतलब गांव का परिवेश है और हमारा जो विद्यालय है अभी वर्तमान में तुरंत अपग्रेड हुआ है और दूर दूर से बच्चे आते हैं, अगल बगल से बच्चे आते हैं, गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं, बच्चे भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, अच्छा मतलब हम लोग कोऑपरेट करते हैं। बहुत पढ़ाई होता है और आप लोग को खाना वाना कैसे मिलता है? हम लोग को पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई खाना भी अच्छा मिलता है घर की तरह। हाँ, अच्छा आप लोग समस्या होता है सर से पूछते हैं? जी सर। तो कैसा हो? सर बोले बहुत सुंदर से समझाते हैं। पढ़ने के लिए जी सर क्या क्या सर पढ़ाते हैं आपको? जोर चाव गुना भागा की पात। अच्छा से पढ़ाते हैं सर? हाँ। खाना मिलता है यहाँ पे? हाँ। क्या क्या खाना खाती हो? दाल भात सब्जी खिचड़ी, शनिवार के सभी अंक तकारी बा। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम